हुआ मध्य प्रदेश की चित्रकूट विधानसभा में लगभग कांग्रेस जीतने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बधाई आना शुरू हो गई है। इसी सिलसिले पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी। आइए सुनिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी की आवाज मेरे साथ। विधायक जी, जिस प्रकार से आप लग रहा है कि कांग्रेस जीती के कगार पर पहुंच चुकी है, लोगों की आवाज निकल रही है कि कांग्रेस पार्टी का 14 साल का बर्बाद खत्म होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सवाल इस बात का नहीं, जीत रही है, जीत रहे हैं, जीत चुकी है जी। भगवान राम के और कांता धाम के पवित्र स्थान पर जी, जहाँ भगवान राम ने 14 वर्ष वन वासियों के साथ भजन किया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए भगवान राम की कृपा से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती है जी। और पिछले 14 वर्षों से शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रजातंत्र के नाम की कोई चीज बची नहीं थी जी। पाप का घड़ा उनका भर चुका था, भ्रष्टाचार गले गले तक सरकार डूब चुकी है, नेता और मंत्री लूटने में, कार्यकर्ता भाजपा के लूटने में लगे हैं। अब मध्य प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सभी ने मिलकर शिवराज सिंह को सबक सिखा दिया। हराकर चित्रकूट का चुनाव हराकर 20-20 मंत्री बने रहे शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, गांव-गांव में आदिवासियों के घर और पिछड़ा वर्ग दलितों के घर पर रुककर जो नौटंकी की है वो भी जनता की समझ में आ गई है और इसी का प्रणाम उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। अब जनता को बहुत दिनों तक लफाजी करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्ष जी को, जो हमारे नौजवान साथी थे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप भी उस चुनाव में पहुंचे थे और इससे पहले आप फिरोजाबाद गए, वहाँ भी लीड के साथ वहाँ पर राज बब्बर साहब चुनाव जीते थे। यहाँ तक लोगों का एक मानना है कि जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ जीत होती है, इसको क्या मानना देखा जाए? इस बात में तो हमारा विश्वास नहीं जी। हमारा पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको निभाते हैं। चित्रकूट का माहौल जब आपने देखा कि पूरी सरकार का शिकंजा कसा हुआ है, हजारों की तादाद में गरीबी रेखा के कार्ड बना दिए गए हैं, इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर तमाम लोगों को पहली किस्तें करोड़ों रुपए की जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अभी तक 14 वर्ष के कार्यकाल में अपने कभी चित्रकूट के दर्शन नहीं किए, लेकिन चुनाव के दौरान उनको अचानक चित्रकूट से प्रेम आ गया। मन जगह जगह नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं, परंतु आज भी पवित्र मंदाकिनी नदी में गंदगी जा रही है। इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, लेकिन सरकार की सोच चिंता नहीं है। अब केवल घोषणाएँ थी, मैं देखना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी ने जो घोषणाएँ की हैं वो कितनी चित्रकूट में अपने विकास कार्य करके पालन करेंगे और इसका जवाब हम विधानसभा में भी देंगे। राहुल गांधी जी दिसंबर माह तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा विषय नहीं है, आई कमान का विषय पार्टी का विषय। बस अब ये दिलाओ।